मैं 2 दिन के प्रवास पर था। मैंने जो देखा कि आजादी के अमृत महोत्सव में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल 20 साल के इस वर्ष में जब मैं उत्तराखंड में आया तो मैं ये अनुभव करता हूं कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। उत्तराखंड ने जो सफलता अर्जित की है जल जीवन मिशन में 15 अगस्त 2019 को जहां 8% घरों में पानी पहुंचता था, आज की तारीख में वो 47% तक पहुंच गया और 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं दूसरी बधाई उत्तराखंड सरकार को इस बात के लिए भी देता हूं कि जिस प्रकार से उन्हें आंगनबाड़ी स्कूलों में पानी पहुंचाकर अपने 2 चरणों को पार कर लिया है, इस बात के लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस बीच में जब ये चुनावी वर्ष है इसमें जल जीवन मिशन का काम न रुके, इस बात के लिए मैं निर्वाचन आयोग से भी निवेदन करता हूं और सर्वदलीय लोगों से भी मैं कहूंगा कि हम इस पर विचार करें ताकि जल पहुंचने वाली ये व्यवस्था बाधित ना हो। कोरोना में जो विलंब हुआ है उससे लक्ष्य आगे ना जाए ये मैं मानता हूं, क्योंकि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जिनने 2021 के में समय के पहले अपनी योजनाओं को पूरा किया, गोवा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, और इसलिए मैं चाहता हूं उत्तराखंड भी उसी रास्ते पर जाए, हम समय पर लक्ष्य पूरा करें, इतना ही मुझे लगता है कहना ठीक होगा। बहुत धन्यवाद।